समर्पण भाव से कर्म करो। कर्म करने के पश्चात अपने सभी कर्मों को मुझको अर्पित कर दो। दोनों ही बड़ी गहरी बात है। ये बात मैं उन सब के लिए भी कहना चाहूंगा जो योग अभ्यास कर रहे हैं या जो सन्यासी हैं, क्योंकि कोई भी कर्म मनुष्य को बांधता रहता है और कर्मातीत होने के लिए या मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त होना परम आवश्यक होता है। इसलिए कर्मों में आसक्ति न हो। हम कर्म यज्ञ के लिए कर रहे हैं, ये तीसरे अध्याय में एक और सुंदर बात है। कौन सा यज्ञ? भगवान ने जो यज्ञ रचा है, यह जीवन को ही अपने एक यज्ञ बना लो। हम यज्ञ को सफल करने के लिए कर्म कर रहे हैं और फिर कर्म करके उसको परमात्मा पर समर्पित कर दो। देखो आपकी मनोस्थिति कितनी ऊंची होती है, और जब मनोस्थिति ऊंची होती है तो समस्याएं नहीं आती। मनुष्य की आसक्ति धन में बढ़ती जा रही है। आसक्ति रहित होने की बात की है, बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है। आसक्ति मनुष्य की धन में बढ़ती जाती है। अब वो सोचता है मुझे धन कमाना है जैसे तैसे, चाहे बुरे काम करके, चाहे करप्शन के द्वारा, चाहे कामों में चोरी करके, आजकल चोरी भी तो बड़ी रॉयल है, मुझे धनवान बनना है। फिर हम देखते हैं पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, बदनामी होती है, अखबारों में नाम छप जाता है, कितनी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन यदि मनुष्य धन में आसक्ति न रखे तो उसको बहुत लाभ होगा, इन सब समस्याओं से उसको गुजरना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत चीजों में जो मनुष्य की आसक्ति है, एक बहन ने, एक नारी ने बहुत सारी ज्वेलरी अपने पास रखी है, वो पहन भी नहीं सकती, चोरों का डर है, लेकिन उसमें उसकी बहुत आसक्ति है। अब कितना उसका समय और बुद्धि उसमें लगी रहती है, आसक्ति रहती है, इससे भी सूक्ष्म रूप से कई समस्याएं जन्म लेती हैं। ये मनुष्य को पता नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इसलिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उससे गलतियां होती जाएंगी, वो इरिटेट होती जाएगी। ज्वेलरी है, उसको देखते हैं कि वो खुश भी होगी, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है तो कहीं कहीं इरिटेशन भी होगा। और अगर किसी ने इधर से उधर कर दी, घरों में भी कर लेते हैं लोग, तो उसका हाल क्या होगा हम सब समझ सकते हैं। इसलिए आसक्ति रहित होना बहुत बड़ी चीज है। चाहे भोजन में आसक्ति रहित होना हो, देह में भी मनुष्य की बहुत आसक्ति है। अगर देह से आसक्ति मिट जाए, देह के प्रति अनासक्ति हो जाए, तो जो बीमारियां भी आती हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। गीता की उस बात पर हम चर्चा करें जिसमें वर्णन है कि ये काम क्रोध मन और बुद्धि को मलिन कर देता है। हम सब रोज देख रहे हैं, अगर आप संसार का सर्वे करें और बहुत सूक्ष्म चीजों का विश्लेषण करें तो अनेक मनुष्यों में, युवकों में ज्यादा, लेकिन बड़ों में भी, बहुतों में मैं तो देख सकता हूँ, 50-60 साल तक की आयु वालों में भी 60% और उससे ऊपर वाले जो हैं उनमें भी कम से कम 10% ये स्थिति रहती है। वे अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन बुद्धि मलिन रहती है, भोग नहीं कर पाते, दुख ही रहते हैं। और दुखें के कारण संसार में अनेक रोग होते हैं, अनेक समस्याएं बढ़ती हैं। तो मन बुद्धि को ये चीज मलिन करती है, इस पे हम ध्यान दें। अब जब बुद्धि मलिन हो जाएगी, मन मैला हो जाएगा, तो मनुष्य का जीवन कैसा रहेगा? वो कुछ भी करेगा, उल्टे काम करेगा। मन मलिन हो गया, मन मैला हो गया, तो मन में मनोविकार बढ़ने लगते हैं, क्रोध भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा। उसको पूर्ण करने के लिए वो धन ऐसे वैसे कमाएगा और कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसके कारण आज संसार में समस्याएं बहुत हैं, कोर्ट में केसेस बहुत हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। बुद्धि मलिन हो गई तो क्या होगा? निर्णय यथार्थ होंगे ही नहीं, बुद्धि की एकाग्रता समाप्त हो जाएगी, बुद्धि में जो मेमोरी पावर है वो छीन हो जाएगी, बुद्धि दूषित रहने लगेगी, अच्छी चीजों को बुद्धि में धारण करने की मार्जिन ही खत्म हो जाएगी।
इससे अनेक समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप उन्हें कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आजकल काम ने मनुष्य की बुद्धि को इतना मलिन कर दिया है। एक प्रश्न आया आज ईमेल पर हमारे पास कि लोग क्यों नॉन वेज खाते हैं, क्यों नहीं वो समझते कि इतने जानवरों की हत्या हो रही है, पाप हो रहा, उनकी बद्दुआएं हमें मिल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? काम ने बुद्धि को मलिन कर दिया है, काम वासना बढ़ती जा रही है, ये सब भी बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं, इससे पाप बढ़ रहा है। कितने केसेज हो जाते हैं रोज, बद्दुआएं मनुष्य को मिल रही हैं, वातावरण शुद्ध नहीं है। इसके कारण अगर मनुष्य अपने इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर ले तो इन सभी पापों से बच जाए, उसकी मन और बुद्धि मलिन ही ना हो। काम और क्रोध पर हमें विजय प्राप्त करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी में इसका उत्तर भी है गीता में कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर तुम इन महावैरियों को जीतो। काम महाशत्रु है, भगवान ने ये कहा है। काम के द्वारा ही अनेक पापों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि काम बुद्धि को तो मलिन करता ही है लेकिन मन की शक्ति को भी छीन करता है। उसका बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, उसकी दृष्टि विकारी होती जाती है। इसलिए हमें ये अभ्यास करना है, जो आत्मा की बात कही, मैं आत्मा मूल रूप से परम पवित्र हूँ। अगर इस कॉन्शियसनेस को हम बढ़ाते रहें तो हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ये वासनाएं हटती जाएंगी। तो हम आत्मिक स्वरूप को बढ़ाएं। क्रोध हमारा संस्कार नहीं है, ये काम वासना बहुत संयमित होनी चाहिए, इसको संपूर्ण रूप से जीतना चाहिए। भगवान का ये आदेश हमें मानना ही चाहिए। काम ही महाशत्रु है, इससे ही सारा खेल बिगड़ा है संसार का। राजाओं ने राजाई गंवाई है, सृष्टि का पतन हुआ है इसी एक के कारण। तो गीता का तीसरा अध्याय हमें ये सुंदर संदेश देता है कि हम इन दोनों से, काम और क्रोध से मुक्त बने, इससे संसार की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमारा जीवन निर्मल होगा, हमारे परिवारों में सुख शांति प्रेम पवित्रता का माहौल बनेगा। ओम शांति।